वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। गैस को सिस्टम में कैसे स्टोर करते हैं आउटडोर में, अगर सिर्फ काम चलाने के लिए इंडोर में आप स्टोर करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन इंडोर में आप स्टोर करके रोक नहीं पाएंगे। ये हमारे पास 1.5 टन का हुंडई का स्प्लिट एसी है, आप देख सकते हैं ये हुंडई का स्प्लिट एसी है। इसका गैस स्टोर कैसे करेंगे, अगर माने कि आउटडोर में गैस, क्योंकि आपको अनइंस्टॉल करना है एसी और आउटडोर में आप गैस को स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिए ये हमारा ये डेड नेट इस पर बंद होता है, ये ध्यान रखिए इस तरह से डेड नेट बंद होता है। ये जो मोटा पाइप होता है ना, ये हमारा सक्शन लाइन होता है, और जो पतला पाइप होता है ये हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है। तो इसके लिए ये डेड नेट हम खोल लेंगे गैस को स्टोर करने के लिए। इंडोर में कैसे करना वो भी देख लीजिए, इसी में बता दूंगा मैं। अभी देखिए सिस्टम बंद है, ये आप देख सकते हैं ये सिस्टम रुका हुआ है, बंद है सिस्टम। सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए जब भी आप गैस को स्टोर कर रहे हैं आउटडोर में, तो सिस्टम चलता रहना चाहिए, कंप्रेसर इसका चलना चाहिए, पूरा फैन मोटर इंडोर चले ना चले लेकिन कंप्रेसर इसका चलना चाहिए ताकि वो सक कर सके, खींच सके सभी रेफ्रिजरेंट को। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है, ये हमारा सक्शन लाइन है, तो डिस्चार्ज लाइन में यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे इस वाल को, इसको हम पूरा बंद कर देंगे। जल्दी जल्दी बंद करना है आपको क्योंकि इस समय तो सिस्टम बंद है। जल्दी जल्दी ये बंद हो चुका है, ठीक ये बंद हो चुका, लगभग कम से कम 30 से 40 सेकंड लगता है पूरा रेफ्रिजरेंट। यहाँ से तो फेंकना बंद कर दिया, ये डिस्चार्ज अब नहीं फेंक रहा है क्योंकि वाल हमने बंद कर दिया, सिर्फ सक्शन खींच रहा है क्योंकि सक्शन का वाल खुला हुआ है, सक्शन खींच रहा है। अब जितना सक्शन पूरा जितना रेफ्रिजरेंट है पूरा आउटडोर में खींच करके कंडेंसर में इकट्ठा कर देगा क्योंकि सिस्टम में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हाथ लगा करके इसे फ़ैन के सामने देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हवा फेंकने लगेगा, लगभग 30 से 40 सेकंड लेता है, या फिर एक मिनट भी अगर आप ले लेते हैं तो एक मिनट भी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर का साउंड भी बदल जाता है। तो ये बंद है हमारा, जब खींच लेता पूरा आपको मालूम हो जाए कि हाँ खींच लिया है। तो आप क्या करें, इसको सक्शन को भी जल्दी से आप बंद कर दें, इस तरह से सक्शन को भी बंद कर दें। ये हमारा बंद हो चुका सक्शन, सक्शन को भी बंद कर दें। बंद करते ही तुरंत आप एसी को ऑफ कर दें, ये थोड़ा सा ऐसे खोल ऐसा रखें ताकि जितना है खींच रखे, जो ही कंप्रेसर बंद होता है तुरंत आप इसको बंद कर दें, ऐसे इस तरह से बंद कर दें। अब देखिए गैस स्टोर हो चुका है, बस आप यहाँ से खोल दें इसको, यहाँ से खोल दें गैस पूरा आपका आउटडोर में स्टोर है। तो इस तरह से आप गैस को स्टोर कर सकते हैं आउटडोर में। फिर से मैं इसे खोल देता हूँ, अभी देखिए सिस्टम बंद है ना, सिस्टम बंद है। इस समय क्या प्रोसेस हुआ, मैं तो आपको बताया हूँ कि गैस को स्टोर करने के लिए कंप्रेसर को स्टार्ट रहना चाहिए, ये तो अभी बंद है, दोनों मैंने गैस को स्टोर किया ना, लेकिन सिस्टम अभी बंद है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिस्टम बंद है। अब ये गैस स्टोर कैसे हुआ पता है, आउटडोर में जितना गैस था उतना आउटडोर में रह गया, जितना इंडोर में गैस है इस लाइन पे, इस लाइन में जो गैस है यहाँ से लेकर के इंडोर तक जितना गैस है वो गैस अलग है। अब आउटडोर में जितना गैस रुका हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में उतना गैस इसमें रहेगा, पाइप खोलेंगे तो जितना इंडोर में गैस है वो सारा बाहर निकल जाएगा, और ये इसमें जितना गैस स्टोर है पहले से मैं बंद कर दिया हूँ उतना गैस पड़ा रहेगा इसमें। अब इसे हम खोल देते हैं, इस तरह से आप गैस को स्टोर कर सकते हैं आउटडोर में। क्योंकि ये सिस्टम बंद है ना, तो गैस को स्टोर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं यहाँ पर एयर कंडीशनर के पास आया हूँ ताकि मैं बता सकूँ। इसे वापस से खोल देते हैं,
इसे हमने खोल दिया। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर मानिए कि आप दूसरी जगह एसी को यहाँ से अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल कर लिए और आपके आउटडोर में पूरा रेफ्रिजरेंट है, आपको अलग से गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि ये मोटा पाइप होता ना, इसको आप बंद कर दें, इसको फ्लेयर नट यहाँ पर टाइट कर दें, ये वाला खुला रखें पतला पाइप, क्योंकि ना यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट को थोड़ा सा खोलेंगे ऐसे तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से फेंकेगा रेफ्रिजरेंट, यहाँ से फेंकेगा, तो यहाँ से इस तरह से ऐसे दबा कर अंगूठे से रखें, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पर्च कर दें, रेफ्रिजरेंट निकाल दें, यानी कि यहाँ से जब निकलेगा, यहाँ से जा रहा है पूरा इंडोर से होता हुआ घूम करके यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा, तब तक आप बंद ना करें जब तक कि आपको ना लगे कि एयर पूरा निकल गया है इसमें से, इंडोर में से जब एयर निकल जाए पूरा, तो इसको जो आप चालू रहने दें गैस को, गैस निकल रहा है धीरे धीरे, निकलते निकलते में आप इसको जल्दी जल्दी टाइट कर दें ये डिस्चार्ज लाइन को, क्योंकि सक्शन लाइन को जल्दी जल्दी गैस निकलते समय आपको टाइट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बताया हूँ कि आप सक्शन लाइन को इसको पहले बंद कर लें, फ्लेयर नट को टाइट कर लें, उसके बाद यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन को खुला रखें, रेफ्रिजरेंट निकलते निकलते आपको इसको बंद करना है। इससे क्या होगा कि आपको वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वैक्यूम आपका फ्लशिंग हो चुका है यहाँ पर, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ से निकल जाए इसको टाइट कर दें अच्छे से, आप लीकेज चेक कर लें थोड़ा सा गैस खोल करके, उसके बाद आप क्या करें पूरा गैस खोल दें आप, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस तरह से इसी तरह से किया जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कुछ कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उससे बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।